गुड मॉर्निंग श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज के नए सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रश्मि गुप्ता केमिस्ट्री की फैकल्टी सबसे पहले आपको केमिस्ट्री की एग्जाम स्कीम पैटर्न के बारे में बताऊंगी। ओके, जो आपका केमिस्ट्री का फुल पेपर है, टोटल जो पेपर है वो आएगा 200 मार्क्स का, जो कि डिवाइडेड है टू पोर्शन में। एक तो है थ्योरी और सेकेंड है प्रैक्टिकल। थ्योरी पोर्शन यहाँ पे सिर्फ 150 मार्क्स का है, जबकि प्रैक्टिकल पोर्शन आपका 50 मार्क्स का है। थ्योरी में आपकी तीन बुक्स आएंगी, जैसे कि हमेशा तीनों इयर्स में आती हैं, वही सेम बुक्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऑर्गेनिक रसायन आपका पेपर फर्स्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन आपका पेपर सेकेंड है, जबकि फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन आपका पेपर थर्ड है। तीनों ही जो आपके पेपर्स हैं उनका वेटेज इक्वल है, तीनों ही 150 मार्क्स के हैं। इस तरह से आपका जो कुल थ्योरी पेपर है वो 150 मार्क्स का हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन से चैप्टर है। ओके, जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पेपर फर्स्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया 50 मार्क्स का है, जो कि डिवाइडेड है 5 यूनिट्स में। जो फर्स्ट यूनिट है वो है कठोर एवं मृदु अम्ल तथा क्षार, जिसे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस कहा जाता है, HSAB शॉर्ट में। सेकेंड जो यूनिट है उसमें दो चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है संकरण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसके साथ सेकेंड चैप्टर जो दिया गया है वो है संकरण धातुओं के संकुलों के चुंबकीय गुण, जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, जो नेक्स्ट थर्ड यूनिट है वो है संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसके साथ जो सेकंड चैप्टर दिया गया है वो है धातु संकुलों के ऊष्मागतिक तथा गतिज पक्ष, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। जो आपकी फोर्थ यूनिट है उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, कार्बन धात्विक रसायन ऑर्गेनोमैग्नेटिक केमिस्ट्री। फिफ्थ यूनिट जो है उसमें दो चैप्टर दिए गए हैं, एक है जैव अकार्बनिक रसायन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड जो चैप्टर है वो है अकार्बनिक बहुलक इनऑर्गेनिक पॉलीमर। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो सेकेंड थर्ड और फिफ्थ यूनिट है इसमें दो चैप्टर है, बाकी जो आपकी फर्स्ट और फोर्थ यूनिट है उसमें एक चैप्टर दिया गया है। हर यूनिट में से आपके पास दो क्वेश्चन आएंगे, आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सारे जो क्वेश्चन है उसका वेटेज इक्वल है, 10 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो पेपर है उसमें आपके पास 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन जो